फ्लेवर्स ऑफ इंडिया के सारे व्यूवर्स को सबसे पहले थैंक यू वेरी मच फॉर ईच एंड एवरी वन फॉर लव एंड अप्रिसिएशन। हम आ चुके हैं शहर से, नागपुर शहर से तकरीबन 12 किलोमीटर दूर भोपाल रोड के ऊपर पे, विच इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर ऑल ऑफ अस टू हैव अ रिलैक्स फूड एंड एंजॉय। सो फूड बियॉन्ड इमेजिनेशन में आज हमारा अपनी टीम पहुंची है और देखते हैं इस फूड बियॉन्ड इमेजिनेशन के अंदर में क्या चीज़ इन्होंने हमारे लिए प्रिपेयर की है और हम आपके लिए क्या लेके आए, वो ऑथेंटिक फूड जो इनके यहाँ का सिग्नेचर फूड भी हो या हो सकता है उससे बेहतर भी इन्होंने कुछ इंतजाम किया है। तो चले चलते हैं और देखते हैं फूड बियॉन्ड इमेजिनेशन का आज का हंगामा। अगर ये सारी चीज़ सजावट अगर हमारे सामने रहे प्रिपरेशन के पहले, तो मेरे ख्याल से खाना बनाने में कुछ और ही मज़ा आता होगा। क्यों शेफ, खाना बनाने में बहुत मज़ा आता है? जी सर। ओके, क्या बना रहे हो आज? मैं सर डेविल्स बनाते हैं। ओके, क्या खास है इसमें? इसमें ऐसा जो दो तरीके का सॉस है, तैराकी सॉस एंड मस्टर्ड सॉस एंड ग्रीन बेल पेपर एंड गार्लिक फिंगर। ओके, प्रिपरेशन जैसे जैसे सामने होते जाएगी और जैसे जैसे फाइनल आउटपुट आएगा, आई एम श्योर आखिरी में वाओ, ये लेमन ठंड के वक्त में अगर ये लेमन मिल जाए तो और मज़ा आ जाए भाई। और फाइनली इसके अंदर में जा रहा है ये चिकन, ये चला गया इसके अंदर में। लेट्स सी क्या आखिरी में फाइनल आउटपुट आ रहा है इस प्रोडक्ट का। हमने क्या नाम दिया है इसको? डेविलिंग। फूड भी अपनी इमेजिनेशन में आने के लिए ये आपने डाल दिया कॉर्नफ्लावर ताकि ठीक हो जाए। ओके, देखते हैं इसके बाद में और क्या क्या प्रिपरेशन हो रहा है। मटन रोगन गोश हमारे सामने है, मैंने ज़्यादातर देखा ये हमेशा रेड होता है, ये क्रिस्पी वेज के प्रिपरेशन। ओके, और ये चिकन चीज़ रोल। अच्छा, और ये डेविल विंग्स। ओके, और ये क्या प्रिपेयर हो रहा है? डेविल विंग्स की तैयारी हो रही है। ओके, विंग्स होते हैं जिनको हम बहुत अलग तरीके से एक लॉलीपॉप का फ्लेवर देते हैं, जिसके अंदर हम दो सॉसेज ऐसे डालते हैं जो हमारी स्पेशलिटी है और जो कि आपको कहीं और खाने नहीं मिल सकते। चिकन को हम ट्राई कर रहे हैं, काफ़ी सॉफ्ट है, जूसी है, जो चाइनीज़ का फ्लेवर आना चाहिए वो चाइनीज़ का फ्लेवर है। और हालांकि मैं आपके सामने वो कवर नहीं कर पाया जो मैंने अंदर शेफ़ के साथ में बैठे बैठे थोड़ा बहुत टेस्ट किया था, बट आई कैन ओनली टेल यू दिस इज़ द बेस्ट प्लेस टू कम एंजॉय, और एक तरह से फैमिली गेट टुगेदर के लिए दिस इज़ द बेस्ट प्लेस एंड फूड इज़ ऑसम। At Food Beyond Imagination, the food is really amazing. The services here, I'm very amazed, and the food is beyond imagination, definitely. My sister here is a chicken lover, and she's come all the way from Canada. Okay, how you like the food? It was our first wedding anniversary, and the decoration was so beautiful and a memorable one. Fantastic. It was like the quality of food was really good, and the service that they have given us. Love to come next time as well with my friends also. Yeah, I would wish this initiative all the best, and India has a lot of flavors, and I wish you all the success, a lot of coverage. And I would wish all the best to Flavors of India. May they grow each and every year. I am very happy to know about my friend Vikar Ahmed has started a new YouTube channel called Flavors of India. Vikar is a very positive person and always look for good in others. I am glad that he is now going to spread positivity across all people in this new venture. Flavors of India is a very nice idea. I think ideas are the currencies of the 21st century, but people who put the ideas to action are priceless. I am glad that Vikar has come out with a very good idea and he is also going to take that action to put his idea into reality. Wishing him and his team all the best. Together, let us build a beautiful world. Thank you so much and best wishes. I got brides in Atlanta, she's with the lean, the family, credit cards and the scammers, hitting the licks in the band, legacies.